सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे, कमेंट में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आप जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स डालते हो वो आप सर एडिट कैसे करते हो, कौन से एप्लीकेशन से करते हो, कहाँ से करते हो, सर आप वो चीज़ बता दो। तो स्पेशली आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो ला रहा हूँ कि मैं अपने खुद के इंस्टाग्राम के रील्स को कैसे एडिट करता हूँ। देखो स्पेशली आप लोग ये जानना चाहते हो कि मैं जो इंस्टाग्राम पे रील्स डालता हूँ उसमें जो बीच बीच में फोटोज आती है, जो वीडियोज आती है वो कहाँ से आता है ना, जो उसमें साउंड इफेक्ट आता है वो कहाँ से लगाता हूँ मैं, ठीक है, और जो ऑटो कैप्शन आता है, जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ ऑटोमेटिक लिखा हुआ कैसे आता है, आप ये सारी चीजें जानना चाहते हो, राइट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखोगे आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि मैं किस तरीके से इंस्टाग्राम के रील्स को एडिट करता हूं। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके अंदर मेरी सारी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाके गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों से ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैं खुद की इंस्टाग्राम के रील्स को कैसे एडिट करता हूं। सो देखो मेरे जैसा प्रोफेशनल तरीके से इंस्टाग्राम के रील्स को एडिट करने के लिए क्या है ना कि आपको सबसे पहले कुछ वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको कुछ वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का नाम बता देता हूं, जैसे इनशॉट एप्लीकेशन हो गया, VN एप्लीकेशन हो गया, काइनमास्टर हो गया, कैपकट हो गया, बहुत सारे एडिटिंग एप्लीकेशन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो पर्सनली इस्तेमाल करता हूं इंस्टाग्राम के रील्स को एडिट करने के लिए उसका नाम है इनशॉट एप्लीकेशन, ठीक है। आप भी इनशॉट एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हो या फिर आपको जो पसंद आता है उसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी जहां से आपको फोटोज और वीडियोस को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो उस वेबसाइट का नाम है pixels.com और एक दूसरा वेबसाइट है पिक्सावे, ठीक है। ये दो वेबसाइट है जहां से आप फोटोज और वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आपने मेरे रील में देखा होगा कि बीच में फोटोज और वीडियोस आती है, राइट, तो ये इसी दो वेबसाइट से डाउनलोड होती है। मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस तरीके से इनशॉट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके मैं इंस्टाग्राम की रील्स को एडिट करता हूं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो चलते हैं सीधे अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से मैं इंस्टाग्राम के रील्स को एडिट करता हूं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे अपने इनशॉट एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे आपको मेरी इनशॉट एप्लीकेशन दिख रही होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जैसे ही आप इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेगा, वीडियो, फोटो और कॉलेज। तो आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमें रील को एडिट करना है, ठीक है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ऊपर में आपको तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, वीडियो, फोटोज एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो भी गैलरी का वीडियो और फोटोज होता है यहाँ पे आपका आ जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले वीडियो पे क्लिक करके यहाँ से ना हमें वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसको भी आपको एडिट करना है, आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपके गैलरी में जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे वीडियोस यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप वीडियो को सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कनवा का, है ना, कनवास का। तो आपको क्या करना है, कनवास पे क्लिक करना है। कनवास पे क्लिक करने के बाद आपको जो रील का जो साइज होता है ना 9:16, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। इससे क्या होगा कि रील के साइज में जो है आपका वीडियो आ जाएगा, ओके। उसके बाद दूसरे स्टेप में अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जो हमारा इनशॉट एप्लीकेशन है ना उसका वाटरमार्क नीचे में आ रहा है, राइट, आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाटरमार्क को हटा लेना है, क्योंकि जब तक आप ये वाटरमार्क नहीं हटाओगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये वीडियो देखने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनशॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप इनशॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फ्री रिमूव का, ठीक है। तो जैसे आप ये फ्री रिमूव पे क्लिक करोगे ना एक ऐड चलेगा, जैसे वो ऐड खत्म होगा, ऐड खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है इनशॉट का जो वाटरमार्क है ना वो हट जाएगा, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले फ्री रिमूव पे क्लिक कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि ऐड ना चले, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले अपना नेट को ऑफ कर देना, उसके बाद आप फ्री रिमूव पे क्लिक करना, तो क्या होगा ऐड नहीं चलेगा, ठीक है, बिना ऐड का ही वाटरमार्क हट जाएगा, ठीक है। बट अभी मैं नेट को ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली फ्री रिमूव पे क्लिक करता हूं, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहां पे टाइम लेगा, आपको वेट करना है। देखो अच्छा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऐड चल रहा है, ठीक है। अभी बताओ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐड को देखना पड़ेगा, बिना ऐड देखे वो नहीं होगा, ठीक है। ये ऐड खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे ऐड खत्म होगा ऊपर में ना आपको एक कट का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, कट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप कट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वाटर मार्क था वो बिल्कुल हट चुका है, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में और वीडियो के एंड में ना आपको कट लगानी है, ठीक है, कि आपका वीडियो एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका वीडियो कहाँ पे खत्म हो रहा है, पहले आपको वो कट कर लेना, ठीक है। इसके लिए हम ना पहले वीडियो को हमें चलाना पड़ेगा आज के टाइम पे ज्यादातर, देखो आज के टाइम पे, तो आज के टाइम पे मैंने यहाँ से बोला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम कट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्प्लिट पे करोगे दो भाग में ये ब्रेक हो जाएगा, आपको क्या करना है, इधर वाले सेलेक्ट करके डिलीट कर लेना है, ठीक है। टाइम पे ज्यादातर देखो आज के टाइम पे
ज्यादातर स्टूडेंट सही लग रहा है ना, क्योंकि उधर वो फालतू का था थोड़ा सा, तो हमने आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट। अब हमें इंडिंग में जाना है, इंडिंग में जाने के बाद हमें इंडिंग में भी सेम तरीके से स्प्लिट कर लेना है, कॉल करूंगा यहाँ तक था। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी स्प्लिट कर लेना है और बाकी के चीजों को डिलीट कर देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये वीडियो को सेलेक्ट करके आपको थोड़ा सा ना ये वीडियो को जूम कर लेना है, क्योंकि नीचे में ना थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा इसके वजह से। तो आपको इस तरीके से ना अच्छे से जूम कर लेना है पहले, अब देखो थोड़ा बढ़िया लग रहा है राइट। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको स्पीड को बढ़ा देना है। ठीक है, इस वीडियो को बढ़ा देना है थोड़ा इसका स्पीड। इसके लिए देखो यहाँ पे आपको स्पीड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, स्पीड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे 10 पे कर देना है। ठीक है, 10 पे करने से क्या होगा ना, आप जो भी चीज़ें बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो। अगर आपकी वीडियो धीरे भी बनी है ना, अगर धीरे रिकॉर्ड हुई है आपकी रील, लेकिन अगर आप इस यहाँ पे स्पीड को बढ़ा दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ लगेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ लग रहा है, इसी तरीके से आपको भी करना है। उसके बाद आपको फिल्टर पे जाके थोड़ा सा आपको क्या करना है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपको बढ़ा लेना है। तो हम भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कॉन्ट्रास्ट वगैरह, आपको भी अपने अकॉर्डिंग जो है कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस वगैरह जो भी आपको बढ़ाना है बढ़ा लो, फिल्टर वगैरह लगाना है लगा लो। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि बीच बीच में ना वीडियो सर फोटोज़ को लगानी है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप रील के बीच में वीडियो सर फोटोज़ को कैसे लगाते हो। ठीक है, अब हम वो चीज़ करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपकी रील है ना, आपको ये देखना है कि रील में आपको कौन कौन सी वीडियो सर फोटोज़ की रिक्वायरमेंट है। आपको पहले उसको डाउनलोड करके अपने गैलरी में रख लेना है। ठीक है, अब ये वीडियो सर फोटोज़ को डाउनलोड कहाँ से करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है एक वेबसाइट में, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। आपको न्यू टैब ले लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है pixels.com। क्या सर्च करना है, pixels.com, इसके ऊपर आपको सर्च करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप पिक्सल पे क्लिक करोगे, इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। अब यहीं से आप जो है ना सारी वीडियोस और सारे फोटोज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने रील में लगाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक एरो बनी हुई है। तो आपको जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, फोटोज़ और वीडियोज़। अगर आपको फोटोज़ डाउनलोड करना है फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेना, अगर आपको वीडियो डाउनलोड करनी है तो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी ना हमें मान लो मुझे वीडियो डाउनलोड करनी है, तो वीडियो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने रील के अकॉर्डिंग जिस भी तरह का आपको वीडियो चाहिए, जैसे मान लो सोशल मीडिया मैंने बोला है ना, तो सोशल मीडिया आपको टेक्स्ट करके यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा मेरे रील के अकॉर्डिंग सही लग रहा है, आपको चेक करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में ये देना है कि देखो यहाँ पे ना जो साइजिंग है वो यूट्यूब का भी साइज है और रील का भी साइज है, बट अगर आप चाहते हो सिर्फ रील के साइज में वीडियोस आए, इसके लिए आपको क्या करना है, फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑल ओरिएंटेशन का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल, स्क्वायर सब दिख रहा है। ठीक है, तो हमें रील को एडिट करना है इसलिए हमें वर्टिकल को सेलेक्ट करना है। जैसे आप वर्टिकल सेलेक्ट करोगे तो आपको सिर्फ रील के साइज में ही सारी वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है आपको अपने रील के अकॉर्डिंग जिस भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो मुझे ये वाली डाउनलोड करनी है। ठीक है, मुझे ये वाला डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर में आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रही है फ्री वीडियो का, राइट, फ्री वीडियो का। आपको क्या करना है, फ्री वीडियो के बगल में देखो यहाँ पे एक एरो बनी है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे डाउनलोड का ना साइज देगा, तो आपको हमेशा HD में डाउनलोड करना है, फुल HD या क्वाड HD में आपको डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगा। ठीक है, आपको HD में डाउनलोड करना है, तो HD मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करने का। ठीक है, डाउनलोड सेलेक्टेड साइज, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये वीडियो जो है डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन अभी मैं वीडियो को डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे गैलरी में ऑलरेडी सारी वीडियोस डाउनलोडेड है, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, सारी वीडियोस और फोटोज़ को डाउनलोड कर लेना है जो भी आपके रील में चाहिए। ठीक है, उसी हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, क्लियर है। आप यहाँ पे जो भी सर्च करोगे आपको हर चीज़ों से रिलेटेड आपको वीडियोस और फोटोज़ मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको पहले वीडियोस और फोटोज़ को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको अगेन आ जाना है अपने इंसॉर्ट एप्लीकेशन पे, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वीडियोस और फोटोज़ को लगाना है। किस तरीके से लगाना है, मैं अभी आपको सारे पूरे वीडियो में लगा के नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको दो लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, आपको उसी से सीख जाना है कि किस तरीके से हमें वीडियो को लगानी है। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले वीडियो को चलाता हूं। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एक वीडियो चाहिए, तो अभी जो मैंने आपको बताया था ना वही वीडियो है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको पिप का, है ना, आपको पिप के ऊपर क्लिक करना है। पिप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप डाउनलोड करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहीं पे होगा कहीं पे, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे, ये मैंने कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऊपर में वो वीडियो आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे में आपको एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा। ठीक है, इस एरो पे ना क्लिक करके आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरे आपको
साइज में ले आना है। तो मैं इस तरीके से पूरे साइज में ले आता हूँ, मैंने साइज में ले आया, ठीक है। अब आपको चला के देखना पहले। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसी सोशल मीडिया यहाँ तक लिया मैंने पूरी वीडियो को, हमें पूरी वीडियो नहीं चाहिए, तो हमें क्या करेंगे ऐसे स्प्लिट करके बाकी को डिलीट कर देंगे, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट बोला, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसी सोशल मीडिया का यूज करके पिछले 2 सालों में कई लाख ये मैंने लगा लिया। अब आगे थोड़ा और वीडियो को चलाते हैं। 2 सालों में कई लाख रुपए कमा चुका। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, पैसे की बात, कई लाख रुपया कमा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैसे वाला जो है ना वीडियो को यहाँ पे डालेंगे। आपने देखा होगा रील में कि पैसा ऊपर से गिरते हुए आता है ना, वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना, अगेन आपको चले जाना है आपको अपने क्रोम में, और क्रोम में जाने के बाद एक न्यू टैब ले लेना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है पिक्सावे। क्या सर्च करना है, पिक्सावे। जैसे आप पिक्सावे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइज पे आ जाना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइज में आने के बाद यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ें यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो चीज़ें आप pixels.com से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी 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 आपको क्या करना है, वीडियोस को वीडियोस चाहिए तो वीडियोस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है मनी ग्रीन, ठीक है। मनी ग्रीन जैसे आप सर्च करोगे तो ग्रीन आप यहाँ पे सर्च करोगे, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें ना ग्रीन में आ गई है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना जो भी आपको चाहिए। जैसे मान लो मुझे ये वाली डाउनलोड करनी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऊपर में देखो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट, डाउनलोड का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना यहाँ पे साइज मिलेगा डाउनलोड करने का, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना आपको जिस भी साइज में डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करोगे गैलरी में चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, दो सालों में कई लाखों रुपया कमा सकते हो। यहाँ पे मैंने रोक दिया क्योंकि यहीं पे मैंने बोला है। अब आपको अगेन पिप पे जाना है, यहाँ पे पिप, और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ पैसे वाला। अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे एरो पे पकड़ के पूरे वीडियोस में फैला देंगे इसको इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा, क्रोमा पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है क्रोमा, है ना, इसी से ये ग्रीन हटेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रोमा पे क्लिक करना है। क्रोमा पे क्लिक करने के बाद आपको जो बीच में ये गोल सा दिख रहा है ना, इसको पकड़ के आपको नीचे खींचना है। जैसे आप नीचे करोगे ना ये पूरा ग्रीन हट जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे में देखो एक स्ट्रेंथ का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि 20 किया हुआ है ना, तो आपको इसको 100 कर देना है, ठीक है। 100 करने के बाद आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक करना है। जैसे ही करोगे तो ये क्या होगा, ये हट गया, लाखों रुपए कमा चुका हूँ और बहुत सारे पैसे गिरने लगे, बट अभी ये पैसे बहुत धीरे धीरे गिर रहे हैं। तो हमें क्या करना है ना, इसको थोड़ा स्पीड बढ़ा देना है, ठीक है। स्पीड पे जाएंगे और हमें थोड़ा स्पीड इसको बढ़ा देना, 4-4.5 पे कर देना, ठीक है। अब मैं आपको चला, 2 सालों में कई लाखों रुपए कमा चुका हूँ और बहुत सारे, जैसे मैंने लाखों बोला वहाँ पे पैसे लाखों रुपए कमा चुका हूँ और बहुत, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले ऐड कर लेना वीडियो को। इसी तरीके से आपको क्या करना, पूरे वीडियोस में जहाँ भी आपको वीडियो का नीड पड़ेगा, आपको फोटो की नीड पड़ेगी, आपको पूरा में ऐड कर लेना है इसी तरीके से, ठीक है। मैं आपको एक और ऐड करके दिखाता हूँ, मैं हेल्प भी कर चुका हूँ कि वो सोशल मीडिया, यहाँ पे मैंने बोला सोशल मीडिया, तो ठीक है। मान लो यहाँ पे मुझे आप फोटो बैठाना है, ठीक है, तो फोटो बैठाने के लिए ना मैं फोटो ले लूँगा। अगर आपको फोटो डाउनलोड करना है तो सेम आपको पिक्सल ऐप से डाउनलोड करना है सोशल मीडिया, ठीक है। आप वहाँ पे सर्च करोगे सोशल मीडिया तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पिक्स मिल जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं फोटो में जाऊँगा। फोटो में जाने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे देखो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। इसको मैं क्या करूँगा ना, पहले पूरे स्क्रीन में फैला दूंगा इस तरीके से, फैला दिया। अब ये सोशल मीडिया यहाँ पे मैंने बोला था, सोशल मीडिया और इंटरनेट, यहाँ पे सोशल मीडिया कर चुका हूँ कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट, सोशल मीडिया मैंने बोला, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। और यहाँ पे ना हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम बोलते हैं की फ्रेम। यहाँ पे दिख रहा है आपको की फ्रेम, इसके थ्रू क्या करेंगे, जैसे ये नॉर्मल सा दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो पहले आपको क्या करना है, लाइन के सीधे में ले आना है वीडियो को, ठीक है। और आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे लगा दिया। अब आपको वीडियो के लास्ट में जाना है, और आप जैसा चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो फोटो है ना ये ऊपर जूम करते हुए आए, तो इसके लिए क्या करना है, इस तरीके से आपको अपने हैंड से बढ़ा देना है। अब आप देखो जब मैं चलाऊंगा ना तो ये जूम करके आ रहा है, सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके आ रहा है ना, पैसा कैसे कमा सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो भी आप फोटो डालोगे तो आप उसमें जूम इन या जूम आउट आप कर सकते हो, ठीक है, क्रोमा की टूल्स के थ्रू। ओके, तो मैं पूरी वीडियो में करके नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये आपको ये तो बता दिया कि वीडियो सर फोटोज कैसे लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें साउंड इफेक्ट कैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट डालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये वीडियो आए, स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना, जैसे ये वीडियो आए तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे पहले एक साउंड इफेक्ट आए। तो साउंड इफेक्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो लाइन दिख रहा है ना, इस लाइन के पास में आपको वीडियो को ले आना है। उसके बाद आपको टिक पे क्लिक करना है, और सबसे शुरुआत में कनवास के बगल में आपको म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, म्यूजिक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको अगेन म्यूजिक पे क्लिक करके इफेक्ट पे चले जाना है। इफेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पॉपुलर पे क्लिक करना है। जैसे पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो सबसे नीचे आ जाना, यहाँ पे आपको एक हिट का
म्यूजिक मिलेगा। देखो तीन हिट का एक म्यूजिक मिलेगा, हिट वन, हिट टू, हिट थ्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिट टू पे क्लिक करना है, ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी आपको वीडियो डालो तो आप हिट का इस्तेमाल करना, बाकी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चेक कर लेना आपको कौन सा पसंद आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर लिया, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट, जैसे वीडियो आया तो यहाँ पे आवाज आया शू करके, है ना। उसी तरीके से आपको क्या करना है, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये पैसे से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये लाइन के बगल में ले आएंगे। अब हमें पैसे वाला चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना है, म्यूजिक पे क्लिक अगेन करेंगे, फिर से अगेन म्यूजिक पे जाएंगे, इफेक्ट पे जाएंगे। तो अगर इफेक्ट में होगा आपको यहाँ पे खोजना पड़ेगा, बट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है कैश वाला, जो कि कैश रजिस्टर्ड के नाम से आता है, आप इसे यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखो अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। दो सालों में कई लाखों रुपए कमा चुका हूँ, बहुत सारी, देखो जैसे मैंने बोला कई लाखों रुपए कमा चुका हूँ, तो ये पहले पैसा गिरा और उससे पहले आवाज आया, देखो लाखों रुपए कमा चुका हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो भी वीडियोस और फोटोस आप ऐड करोगे उसमें आप साउंड इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये फोटो से इसमें लगाना है, तो मैं अगेन क्या करूँगा, म्यूजिक में जाऊँगा, फिर से म्यूजिक में गया, इफेक्ट में गया, पॉपुलर में गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक साउंड इफेक्ट मिलेगा बबल के नाम से, आप ये लगा सकते हो, यहाँ पे आप इसको साउंड को बढ़ा देना। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोटो लगा देना और साउंड इफेक्ट आपको लगा देना। मैं अभी पूरा लगा के नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, जब आप पूरे वीडियोस में फोटोस और वीडियोस लगा लोगे, साउंड इफेक्ट लगा लोगे, अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे म्यूजिक लगाना है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आपको म्यूजिक में जाना है, ठीक है, फिर से आपको म्यूजिक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑलरेडी इसी एप्लीकेशन में ना आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाएंगे, आपको खोजना होगा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, नहीं तो आप अलग से भी आप डाउनलोड करके अपने फाइल में अगर आप रखे हुए हो तो आपको माई म्यूजिक पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हो अपने मोबाइल फोन में वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने भी एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ इपिक बैकग्राउंड के नाम से, ठीक है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, इसको ये बहुत ज़्यादा है, तो हम इसे ना कम कर देंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है वॉल्यूम को, तो हमें यहाँ पे कर लिए, और जो मेरा वीडियो बनाया हुआ है मैं उसके आवाज को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब मैं आपको चला के दिखा, आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा, लेकिन मैं उसी सोशल मीडिया पे यूज करके पिछले 2 सालों में कई लाखों रुपए कमा चुका हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट की मैं हेल्प भी कर चुका हूं कि वो सोशल मीडिया। हम थोड़ा सा और क्या करते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वॉल्यूम को एडजस्ट करना है। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा, लेकिन मैं उसी सोशल मीडिया का यूज करके पिछले 2 सालों में कई लाखों रुपए कमा चुका हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट की मैं हेल्प भी कर चुका हूं कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट का क्या करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, आपको जो भी पसंद आता है वो लगा लेना, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को ना एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, अभी आपके माइंड में चल रहा होगा सर वो लिखा हुआ कैसे आएगा, जो आप बोल रहे हो वो वीडियो में लिखा हुआ कैसे आएगा, ये दूसरे एप्लीकेशन से होगा, अभी मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए देखो ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको जो रेजोल्यूशन रखना है वो 1080 पे ही रखना है, आप उससे कम में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट 1080 पे ही करना, आपका वीडियो क्वालिटी में बनेगा, ठीक है, आपकी रील जो है ना क्वालिटी में बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, जैसे आप सेव करोगे तो ऐड चलेगा, आपको ऐड को देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐड देख लिया, अब यहाँ स्किप ऐड पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब ये वीडियो देखो कन्वर्टिंग वीडियो, अब यहाँ पे ना ये वीडियो जो है हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये वीडियो कन्वर्ट नहीं हो जाता है, कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है, देखो ये वीडियो जो है कन्वर्ट हो चुका है, कन्वर्ट होकर ये गैलरी में आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो है गैलरी में आ चुका है। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसी सोशल मीडिया का यूज करके पिछले 2 सालों में कई लाखों रुपए कमा चुका हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट की मैं हेल्प भी कर चुका हूं कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। सो अगर आप भी स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैप्शन कैसे ऐड कर सकते हो, जो हमारे वीडियो में आप देखते हो कि जो भी हम बोलते हैं ना वो लिखा हुआ आता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक लिखा हुआ कैसे आता है, इसके लिए अभी आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन को ओपन करना है जिसका नाम है ब्लिंक, ये आपको मिल जाएगा, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ब्लिंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, आज के टाइम पे ज्यादा जाते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे, मैं अगेन आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे ना आपको पहले साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, बट आपको साइन इन नहीं करना है, आपको स्किप पे क्लिक कर देना है, ठीक है, देखो ऊपर में आपको स्किप दिख रहा होगा, आपको स्किप पे क्लिक करना है। जैसे आप स्किप पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो नीचे में एक प्लस का आपको साइन दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो आपको प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्लस के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑटो कैप्शन का आपको एक मैसेज आ रहा है, राइट, आपको ऑटो कैप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, जो भी अभी आपने वीडियो को एडिट किया था, जो भी एक्सपोर्ट किया था इनशॉट के थ्रू, अब आपको यहाँ पे वो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे जनरेट कैप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट कैप्शन पे क्लिक करोगे, आप देखो ये प्रोसेसिंग ले रहा है, जैसे ये प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक वीडियोस में ना वो लिखा हुआ ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, ठीक है, इसी एप्लीकेशन से वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी ये ओपन, अभी ये प्रोसेसिंग ले रहा है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा गाइस, तो हमें थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
ये देखो 99% हो चुका है प्रोसेसिंग, 1% और आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट्स। अब ये क्या हुआ कि ये प्रोसेसिंग होके आ चुका है, ठीक है। अब देखो आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसी सोशल मीडिया का यूज करके पिछले 2 सालों में कई लाखों रुपए कमा चुका हूं, ठीक है। तो ये इसी एप्लीकेशन से जो गाइस क्या होता है ना, जो भी आप बोलोगे यहां पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। देखो आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ कि जैसे अगर मान लो आपको स्टाइल चेंज करना है, टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आएगा। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यहाँ से स्टाइल कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एनिमेशन आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको 2 लाइन में लिखा हुआ चाहिए 2 लाइन में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, अगर आप इसको छेड़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये चीज़ें आप कर लोगे गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, ये आपका जो वीडियो एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगा और आपका रील बनके तैयार हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये हमारे गैलरी में चल जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा गैलरी ओपन करके। देखो गाइस ये हो चुका है, यहाँ से हम डन कर देते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने गैलरी में, देखो गाइस मैं आपको ऑन करके। आज के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट सोशल मीडिया पे ना टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसी सोशल मीडिया का यूज करके पिछले 2 सालों में कई लाखों रुपए कमा चुका हूं। आपको सिखा रहा था गाइस इसके वजह से, लेकिन अगर मैं अच्छे से बनाऊंगा तो सेम 2 कॉपी वैसे ही बनेगा, ठीक है। बट अभी मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा था गाइस कि आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल करने हैं, कहां से आपको वीडियोस और फोटोज लाने, वो सारी चीजें मुझे बताना था, कैसे साउंड इफेक्ट लगाना था वो हमें मुझे बताना था, वो मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है गाइस, ठीक है। सो आई होप आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा कि मैं अपनी इंस्टाग्राम की रील्स को किस तरीके से एडिट करता हूँ, ठीक है। अगर अभी तक आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को आप फिर से देखो, आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी कि एक्जैक्टली मैं किस तरीके से एडिट करता हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है जो कि आप मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने में, ठीक है। तो कमेंट जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।